यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, पर भारत में ऐसे भी कुछ जगह हैं जहां पर भारत के ही लोगों का जाना मना है। हालांकि यह प्रतिबंध कानूनी नहीं है, लेकिन इन जगहों के मालिकों ने इन्हें नो इंडियन पॉलिसी पर बनाया है, और जो कुछ भारतीय भी इन जगहों पर गए हैं उन्होंने यहां उनके साथ जातिवाद या रेसिज्म जैसे भेदभाव होने की बात कही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के कुछ उन जगहों के बारे में जहां पर भारतीय लोगों का जाना ही मना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जगह है फ्री कसोल कैफे। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल नाम का कैफे मौजूद है जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है, और इस कैफे में इसराइल और बाकी देशों के विदेशी ही जा सकते हैं। यह कैफे 2015 में चर्चा में आया था जब कैफे में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी, लेकिन कैफे के स्टाफ ने महिला से ऑर्डर के बारे में भी नहीं पूछा और उन्हें मेन्यू भी नहीं दिया। हालांकि इसके बाद कैफे की मालकिन ने स्पष्ट किया था कि उस समय कैफे में भीड़ ज्यादा होने के कारण वे कस्टमर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे और मेन्यू भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों ने कैफे के अंदर न जाने देने कैफे के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप बहुत बार लगाया है। दूसरी जगह है उनो इन। उनो इन होटल बेंगलोर के शांति नगर में लैंज फोर्ड क्रॉस सड़क पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और यह होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए बना था जहां पर भारतीय और दूसरे लोगों का घुसना मना था। होटल में तेपन नाम का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद था जहां पर भारतीय लोगों का जाना मना था, लेकिन होटल में होने वाले जातिवाद पर बहुत से विरोध के बाद कुछ सालों में इस होटल को बंद कर दिया गया। तीसरी जगह है ब्रॉडलैंड लॉज। तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड लॉज मौजूद है जो नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। इस लॉज में विदेशी लोग तो कमरा ले सकते हैं, लेकिन भारत के लोग यहां कमरा नहीं ले सकते हैं। अगर उन्हें कमरा लेना है तो उनके पास विदेश का पासपोर्ट होना जरूरी है। अपने इन अजीबोगरीब नियमों की वजह से यह लॉज कई सालों तक चर्चा में भी रहा था। चौथी जगह है नॉर्बिलंका कैफे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद नॉर्बिलंका कैफे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यह मौजूदा कैफे है जो बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन यह कैफे फॉरनर्स ओनली पॉलिसी पर आधारित है और यहाँ भारतीय लोगों का जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जैसा दिखता है उसे इस कैफे में घुसने नहीं दिया जाता है। पांचवी जगह है रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। यह हॉस्टल चेन्नई के तमिलनाडु में मौजूद है जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल है। इस हॉस्टल में किसी भी भारतीय को रहने के लिए कमरा नहीं दिया जाता। इस हॉस्टल में कमरा लेने के लिए पासपोर्ट दिखाना जरूरी होता है और विदेश से आए लोग इस हॉस्टल में कमरा ले पाते हैं। छठी जगह है फॉरनर ओनली बीच। गोवा एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है जहां बहुत से भारतीयों का घूमने का सपना होता है, लेकिन गोवा में ऐसे भी कुछ बीच मौजूद हैं जहां पर भारतीय लोगों का जाना या उनका वहां रूम लेना मना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विदेश के लोग वहां अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें और उनकी गोपनीयता बनी रहे। अरम्बोल बीच और अंजुना बीच ऐसी ही कुछ बीच के उदाहरण हैं जहां भारतीय लोग देखने को नहीं मिलते। गोवा की तरह ही पौंडुचेरी में कुछ ऐसे ही बीच मौजूद हैं जहां भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता है, और इसके पीछे का कारण गोवा की तरह ही है। सातवीं जगह है सकुरा रियोकॉन। सकुरा रियोकॉन एक जापानीज रेस्टोरेंट है जो अहमदाबाद में मौजूद है, जिसका मालिक एक भारतीय है, फिर भी यहां भारतीयों के जाने पर प्रतिबंध है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि पहले यहां भारतीय लोगों के आने पर मना नहीं था, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज लड़की स्टाफ और जापानीज कस्टमर को बुरी नजर से देखते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते थे, और मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट आते हैं जिन्हें वह खोना नहीं चाहते, जिस वजह से भारतीय लोगों के रेस्टोरेंट में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आठवीं और आखिरी जगह है रशियन कॉलोनी। तमिलनाडु के तिरुवनवेली जिले में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है जिसे रूस के लोगों द्वारा चलाया जाता है। यहां पर रूस के लोग पुराने समय से आकर बसे थे और अब उनका पूरा परिवार यहां रहता है। उनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता है, इसीलिए इसे रशियन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में रशियन होटल, स्कूल, क्लब मौजूद है जहां रूस के बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, और पावर प्रोजेक्ट में भी रूस के वैज्ञानिक इंजीनियर मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।